हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप आपने इससे पहले के सारे वीडियो ऑफ द पॉक्सो सीरीज देख लिए हैं। इससे पहले के सारे वीडियोस में हमने सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द पॉक्सो ऐप को कवर किया था। सब्सटैंशियल पार्ट मतलब वो पार्ट जो राइट बताते हैं, जो बताते हैं क्या ऑफेंसेस हैं। अब हम प्रोसीजरल पार्ट पे प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है, जिसमें हम प्रोसीजरल पार्ट के साथ में डील करेंगे ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी कोई भी ऐसा अगर ऑफेंस हुआ है, या फिर देर द पॉसिबिलिटी कोई ऐसा ऑफेंस हो सकता है, तो क्या प्रोसीजर है उसको रिपोर्ट करने का, और कहाँ रिपोर्ट करना है और किस तरीके से रिपोर्ट करना है। इस वीडियो में हम पूरा वो समझेंगे। तो अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाके उन पुराने पार्ट को देखिए। फर्दर चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आगे से आप किसी और वीडियो को मिस ना करें, और अपने फ्रेंड्स एंड कॉलेज और अपने दोस्तों के साथ में, स्कूल में, सबके साथ में शेयर करिए, सो दैट और कोई भी इस वीडियो को मिस ना करे, और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद दी वीडियो। तो अभी तक हमने देख लिया टिल सेक्शन 18 कि भाई ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं जो पॉक्सो एक्ट के अंदर में दिए गए हैं, तो क्या क्या चीजें पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग क्राइम मानी जाती हैं। अब हम आते हैं प्रोसीजरल पार्ट पे। हमने सब्सटेंटिव पार्ट कवर कर लिया, चैप्टर 5 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। ठीक है, चैप्टर 5 क्या है? प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी ऊपर का कोई भी ऐसा ऑफेंस जो आपको लगता है कि हुआ है या फिर हो सकता है, आप उसको रिपोर्ट कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 19 देखते हैं। अब ये क्लियरली बोल रहे हैं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसीजर वही फॉलो होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीआरपीसी में जो एफआईआर ये सब चीजें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो चीजें नहीं चलेंगी। अगर एक भी ऐसा प्रोविजन है जो पॉक्सो का अट्रैक्ट हो रहा है टिल सेक्शन 18, ठीक है, 3 से 18 तक का कोई भी ऐसा पॉक्सो के प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पॉक्सो का ही प्रोसीजर चलेगा विथ रिगार्ड टू रिपोर्टिंग ऑफ एनी केस। ठीक है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग दी चाइल्ड, मतलब कोई भी पर्सन केस को रिपोर्ट कर सकता है, मतलब बच्चा भी रिपोर्ट कर सकता है। पुलिस वाले ये नहीं मना कर सकते हैं कि भाई अरे बच्चा है यार भाग निकलो यहाँ से, नहीं, अगर बच्चा भी आ करके कुछ ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज हुई है या हो सकती है, तो पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। अच्छा, आप रिपोर्ट करोगे कहाँ पे? ठीक है, हाँ देखिए, मैंने बोला ना हो सकती है, लाइकली टू बी कमिटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकली टू बी कमिटेड। ठीक है, और हैज नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, मतलब या तो ऑफेंस हो चुका है या फिर ये भी आपको लगता है कि ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें की आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। कहाँ रिपोर्ट करोगे? आपके पास दो ऑप्शन, या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस। ठीक है, अगर आपके पास एरिया में कोई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है तो प्रेफरली आप वहां पे जाके रिपोर्ट करिए, पर अगर नहीं है या फिर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप लोकल पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप गए, आपने जा करके मान लीजिए लोकल पुलिस को रिपोर्ट कर दी। अब लोकल पुलिस क्या करेगी? लोकल पुलिस उस चीज की एंट्री, एक एंट्री नंबर करेगी, ठीक है, और आपके इंफॉर्मेशन को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद में वो चीज आपको पढ़ करके सुनाई जाएगी, एंड इट शाल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट। इस बुक को हम लोग एफआईआर कहेंगे। ठीक है, तो एफआईआर फाइल कर ली जाएगी। ठीक है, अब कुछ अलग से जो सेक्शन दिए गए हैं इसमें, जो अलग से क्लॉजेस हैं वो क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर रिपोर्ट जो है वो कोई बच्चा लेकर के आया, अगर बच्चा बोलने आया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर किसी के साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है उसके जान पहचान में, फिर हो सकता है, ठीक है, तो वो जो चीज रिकॉर्ड की जाएगी वो सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि बच्चे को समझ में आ सके कि क्या चीज लिखी गई। आप ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे कि बच्चा उसको समझ ही ना पाए। हमने देखा था जब हमने सीआरपीसी की वीडियो बनाई थी, आपने, आपको अगर सीआरपीसी की वीडियो नहीं देखी है 154 की, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें हमने ये बात लिखी थी कि भाई पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखने के बाद में पढ़ के उस आदमी को सुनाना है, समझाना है कि हमने ये रिपोर्ट लिखी है, क्या ये सही है कि नहीं, आपने यही बात बोली कि नहीं। तो आपको बच्चे को भी समझाना पड़ेगा, बच्चे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो आपकी समझ में आएगी नहीं, तो आपको इसीलिए इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि बच्चे को वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, फर्दर क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने लिखने की कोशिश की पर फिर भी आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो कि बच्चे को समझ में आ सके, तो और पुलिस वाले को ये लगता है कि भाई जरूरी है कि एक ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर को बुलाया जाए, ठीक
ठीक है, तो पुलिस वाले उसको बुलाएंगे और उसके सामने लिखवाएंगे, ठीक है, अगर बच्चा फेल कर रहा है, टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या चीज है, ठीक है। फर्दर मोर उसको बुलाने के, वो फ्री में नहीं बुलाया जाएगा, उसकी पेमेंट भी पे करनी होगी, पुलिस वाले उसको पैसे देंगे, ठीक है, कंप्लेनेंट को, इन्फॉर्मेंट को नहीं पे करना है, पुलिस वाले पे करेंगे, ठीक है। फर्दर देखते हैं क्लॉज 5 क्या कहता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा आया, उसने आकर के इन्फॉर्म किया, या फिर कोई अडल्ट मेंबर भी आया, उसने आके इन्फॉर्म किया कि उस बच्चे के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस वाले को ये लगता है बच्चे की कंडीशन देख करके कि यार इसको ना थोड़ी सी केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो पुलिस वाले इमीडिएट अरेंजमेंट करेंगे, पहले तो रिकॉर्ड कर लेंगे वो चीज राइटिंग में कि भाई इसको ऐसे ऐसे केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें ऐसा लगता है, ये हमारे रीजन है ऐसा लगने की, और उसको इमीडिएटली केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा, या फिर अगर उसको कुछ ऐसा है जिसके लिए हॉस्पिटल की जरूरत है, तो उसको within 24 hours, रिपोर्ट लिखने के within 24 hours, ठीक है, रिपोर्ट लिखने के within 24 hours हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा, ठीक है नीरज। और ये चीज लिखी क्यों गई है भाई, ये भी तो कोई बोल सकते हैं ना कि फैमिली के पास भेज दो, पर हमने देखा था कि Section 3, Section 5, फिर Section 7, ये सारी चीजों में अलग से प्रोविजन थे कि अगर फैमिली वाले ऐसे ऑफेंस कर रहे हैं, देर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि फैमिली वाले या फिर कोई ऐसा फैमिली का रिलेटिव क्लोज पर्सन ऐसे चीजों में हो। फर्दर मेंटल हेल्थ भी तो खराब हो सकती है बच्चे की, मेंटल हेल्थ कई बार फैमिली वाले समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि उसको स्पेशल अटेंशन के लिए भेजा जाए। फर्दर मोर जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, पुलिस वालों को तुरंत ये जरूरी है कि इंफॉर्मेशन मिलने के विथाउट एनी अननेसेसरी डिले, ठीक है, मतलब जितना जल्दी हो सके एंड विथ इन पीरियड ऑफ 24 आवर, मतलब मैक्सिमम तो 24 घंटे के अंदर तो कर ही देना है, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। क्या करना है कि उनको ये चीज इन्फॉर्म करनी है कि हमारे पास ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई है। अब किसको इन्फॉर्म करना है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को और साथ में स्पेशल कोर्ट। अब हम पॉक्सो में आगे देखेंगे सेक्शन में कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट को, बट देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जहां पे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है, और ये भी आपको इन्फॉर्म करना है कि क्या आप बच्चे को, आप किसी, जो हमने पिछले प्रोविजन में देखा कि किसी स्पेशल केयर की जरूरत है या नहीं, और अगर जरूरत की तो क्या आपने उसको उस प्रोटेक्शन और स्पेशल केयर के लिए भेजा है या नहीं, ठीक है, तो आपको ये सब जगहों पे इन्फॉर्म करना है, ठीक है। फर्दर मोर टू प्रमोट कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ करके इसके बारे में इन्फॉर्म करें, ये लिखा हुआ है, ये प्रोविजन लिया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो आकर के इन्फॉर्म करता है, ना ही उसके ऊपर कोई सिविल लाइबिलिटी होगी, ना ही कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, ठीक है, ओनली थिंग बिंग कि उसने गुड फेथ में आके इन्फॉर्म किया, उसने किसी क्रिमिनल इंटेंट के साथ में आके इन्फॉर्म ना किया, ये हम आगे देखेंगे कि क्रिमिनल इंटेंट के साथ में इन्फॉर्म करते हो तो सजा भी है, ठीक है, पर आपने गुड फेथ में आके इन्फॉर्म किया, भले हो सकता है बाद में जाके आपके इन्फॉर्मेशन बताई हुई झूठी निकल जाए कि निकल जाए, अरे अरे गलती हो गई, गलती हो गई, भाई कोई बात नहीं, पर ठीक है, पर आपने किसी गुड फेथ में इन्फॉर्म किया था, ना ही आपके अगेंस्ट कोई सिविल लाइबिलिटी बनेगी, सिविल मतलब क्योंकि लोग डिफेमेशन ये सब का सूट आपके अगेंस्ट में फाइल कर सकते थे, ठीक है, तो वो भी नहीं, और ना ही कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आपकी बनी, ठीक है। आई होप ये पूरा सेक्शन 19 समझ में आया हो कि प्रोसीजर क्या है इन्फॉर्म करने का, और जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी पुलिस वालों को तो पुलिस वालों को कैसे एक्ट करना है। फर्दर ऑब्लिगेशन मीडिया की भी डाली गई है, स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी ये सब कुछ डाली गई, हमने ऊपर देखा था कि भाई पोर्नोग्राफिक मटेरियल आप स्टोर कर रहे हो, पर आप इस वजह से स्टोर कर रहे हो कि आपको जाके किसी कंप्लेन फाइल करनी है, देन यू आर नॉट गिल्टी अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोर्नोग्राफिक मटेरियल। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसा मटेरियल है तो आपको भी वो इन्फॉर्मेशन जा करके स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस को जा करके देनी है, ठीक है, आपको वो जा करके इन्फॉर्म करना है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अगर आप फेल हो गए, अगर फॉर सम रीजन आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, आप भाई इन्फॉर्मेशन देने से आप मतलब आप डर गए कि भाई नहीं देना चाहते ये वो, जबकि आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है, इसीलिए प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई कोई आदमी डरे ना इन्फॉर्मेशन देने से। अब कोई भी पर्सन जो फेल हो जाता है सेक्शन 19 या 20 के अंदर में, वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिल सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ, या फिर फाइन, या फिर दोनों भी लग सकता है, ठीक है। फर्दर मोर अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के, हमने देखा भाई मीडिया कंपनी ये सबको भी लाइबिलिटी है कि उनको भी जाके इन्फॉर्म करना है, आप उसको हेड करते हो, ठीक है, पर आपकी इंस्टीट्यूशन फेल हो गई इंफॉर्मेशन देने में, ठीक है, ठीक,
और आप फिर ये नहीं जाके बोल सकते हो कि भाई जो मेरा सबऑर्डिनेट था उसने इन्फॉर्मेशन दी, पर अगर वो सबऑर्डिनेट आपके कंट्रोल में आता है तो पनिशमेंट आपको भी मिलेगी, जो कि 1 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। पर याद रखिए, से क्लॉज 3 ये क्लियरली बोलता है कि अगर कोई बच्चा है जो कि इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ये सब, तो उसको सजा नहीं मिलेगी, बच्चा कंप्लीटली फ्री है इस प्रोविजन, ठीक है। अब 22 में देखते हैं, हमने बोला भाई फॉल्स जजमेंट नहीं, कोई सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, पर क्या लिखा हुआ था, सिर्फ गुड फेथ में अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी है, भले फिर इन्फॉर्मेशन झूठी निकल जाए, पर अगर आपने इन्फॉर्मेशन बैड फेथ में दी, ये जानते हुए दी कि इन्फॉर्मेशन आपकी फेक है, आपकी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, और आपका इंटेंशन बस था सामने वाले को ह्यूमिलिएट करना, उसके पैसे हड़पना, एक्सटॉर्शन करना, थ्रेटन करना, डिफेम करना, आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, ठीक है। फर्दर अगर आपने फेक इन्फॉर्मेशन किसी बच्चे के बारे में दी थी कि बच्चे ने कोई ऐसा गलत काम किया है, तो फिर सॉरी, अगर बच्चे ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, तब बच्चे को तो भाई कोई भी सजा नहीं होगी, ठीक है। पर अगर आपने किसी बच्चे के अगेंस्ट में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी इस इंटेंशन के साथ में कि आपको बच्चे को विक्टिमाइज करना है, आपको बच्चे को टॉर्चर करना है, तब आपको 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, ठीक है। हमने समझ लिया भाई क्या क्या सजा होती है। फर्दर देर इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड प्रोसीजर कि भाई मीडिया वालों को कैसे बिहेव करना है, मीडिया वालों को कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची, उनको बिहेव कैसे करना है। अब बिहेवियर का क्या है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी ना रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकता है, ना ही कोई कमेंट कर सकता है किसी भी बच्चे के बारे में किसी भी मीडिया फॉर्म में, ना ही फोटोग्राफ के थ्रू में, ना ही ऑडियो विजुअल के थ्रू में, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, अनलेस उसको कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। और अगर वो उसको कंप्लीट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है और उसकी जो जो चीजें वो बता रहा है दैट कैन लोअर द रेपुटेशन, ठीक है, एंड कैन इंफ्रिंज द प्राइवेसी, तो वो ऐसे चीजों को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताएगा। फर्दर कोई भी ऐसी रिपोर्ट मीडिया पब्लिश नहीं कर सकती है जो कि डिस्क्लोज कर दे किसी भी मैनर में बच्चे की आइडेंटिटी, तो बच्चे की आइडेंटिटी में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे बच्चे का नाम नहीं बता सकते, एड्रेस नहीं बता सकते, फोटो नहीं दिखा सकते, फैमिली डिटेल्स नहीं बता सकते, स्कूल का नाम, नेबरहुड, या फिर कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी चीज जिससे कोई भी 2-5 करके बच्चे के बारे में पता कर सके कि भाई कौन है वो बच्चा, ठीक है। पर हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर स्पेशल कोर्ट जो केस को ट्राई कर रही है वो परमिशन दे दे डिस्क्लोजर का, तब आप कर सकते हो, पर स्पेशल कोर्ट भी तभी कर सकती है जब उसकी ओपिनियन में, ठीक है, ये है कि भाई ये चीज को बाहर लाना ही बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में, बच्चे का फायदा तभी है जब ये चीज बाहर आए, और उसको भी ये चीज राइटिंग में लिखनी पड़ेगी क्यों उसको लगता है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन बाहर देना बच्चे के लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप कोई मीडिया हाउस है और आपने ये चीज बता दी, ठीक है, अब भले आपके एम्प्लॉय ने बताई हो, आपने बताई हो, किसी ने बताई हो, आपको सजा मिलेगी और सबको सजा मिलेगी, जिस मतलब आपको तो मिलेगी, आप जो ओनर हो उसको आपको मिलेगी, आपके एम्प्लॉय को भी मिलेगी, ठीक है। और सजा जा सकती है 6 महीने से लेकर के 1 साल की जेल तक की, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो कि क्या प्रोसीजर है फॉर रिपोर्टिंग एनी ऑफेंस, ठीक है, विच इज लाइकली टू बी कमिटेड एंड विच मे हैव बीन कमिटेड विच फॉल्स अंडर द पॉक्सो, ठीक है। अगर ये समझ में आया, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज कमेंट करके मैं बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सबके साथ में, और सबको बोलिए कि प्लीज वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हम और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दें। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।